हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ईविल आई के बारे में, नज़र दोष के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा चुका है या फिर आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है, ये सारी चीज़ें हमें बताकर नहीं आती, ये अपने आप आ जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे घर पर बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, किसके दिमाग में हमारे लिए क्या चल रहा है ये हम सब नहीं जानते। और ये ऐसी अनफोर्सिंग चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप पे से हट जाए या इसका असर आप लोगों पर ना पड़े, तो आपको सिंपल सी आज मैं कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी और के ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा हुआ होगा वो भी हट जाएगा। और अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक है या फिर आपके ऊपर कोई नज़र है, दोष है, या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रखी है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, या फिर आपकी आपके मनी पे प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपके घर में स्ट्रेस है या लड़ाई झगड़ा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत सी चीज़ें। घर में ही नहीं, हम ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँगी कि ये रेमेडीज़ बताने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है या किसी और के ऊपर, आपके अपने के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है या कोई ईविल आई है, यानी कि किसी की नज़र है उसके ऊपर, तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये चीज़ें उस बंदे की जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या किसी की बुरी नज़र है, उसकी हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगा या डिप्रेशन में आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके घर में स्ट्रेस का माहौल रहेगा, एकदम से आपके पास पैसे की कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा सब कुछ चलते चलते एकदम से सब कुछ ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी महसूस होगा एकदम से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ अनहोनी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि किसी ने किसी के ऊपर ज़रूर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और किसी का नेचर एकदम से चेंज हो जाना, अगर आप सोचेंगे अच्छा खासा रिलेशन का ऐसी की तैसी कैसे हो गई, तो ज़रूर की ज़रूर उस पर ब्लैक मैजिक कराया गया है जिसके वजह से वो एकदम ही बदल गया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस ब्लैक मैजिक को हटाना, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहली वाली जो टिप बताने वाली हूँ वो है कोकोनट रिचुअल के बारे में बात करें। कोकोनट हमें लेना है, पानी वाला नारियल जो कि जटा वाला होता है, जिसे ब्राउनिश कलर का होता है, वो लेकर आना है। इसके बाद सैटरडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है। आप कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि जब भी आपको ये रेमेडीज़ करनी है, जो रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको, वो जब भी करें कोई आपको टोके ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई टोक भी देता है तो दोबारा इस रेमेडी को परफॉर्म करेंगे, सेम डे आप कर सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी आपको सैटरडे को करनी है। अपने सर से आपको 3 बार उस नारियल को घुमाना है, उसके बाद आपको घर से दूर जाकर सड़क पर फेंक देना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर आसपास कोई नदी है, बहती हुई नदी, अगर आप उसमें डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको सिंपल सर से उल्टा घुमा के 3 बार घुमाएंगे और उसके बाद आप अपने घर के बाहर कहीं फेंक देंगे, कहीं पर बाहर जाकर आप फेंक देंगे। ये थी सबसे पहला रिचुअल अगर आप कर सकते हैं, बहुत इजी रिचुअल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दूसरा रिचुअल जो मैं बताऊँगी वो आपके साथ है, वो कैम्फर का रिचुअल। जी हाँ, इसमें आपको क्या करना है, आपको जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है उसको आपको बिठा देना है, ठीक है। और अगर आप उनको बिना बताए ये करना चाहते हैं तो आप उनकी फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप उनकी फ़ोटो लेंगे, उसके बाद कैम्फर थोड़ा सा लेंगे, कैम्फर लेने के बाद आपको ऊपर से लेके नीचे तक 3 बार घुमाना है, 1, then 2nd, then 3rd, मतलब ऐसे, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर आपको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 बार करना है, उसके बाद उस कैम्फर को आपको घर के बाहर जाके जला देना है। और सिंपल सी बात है, अगर बंदा सामने बैठा है आपका जिसके आप उतार रहे हैं, देखिए आपको इसके लिए 2 बंदे चाहिए होंगे। अगर आप सपोज़ एक, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं जिस पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, दूसरा कोई बंदा है जो कैम्फर से मेरा ये नज़र उतारेगा, ठीक है, ब्लैक मैजिक उतारेगा, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई डे के हिसाब से नहीं है, ब्लैक ये कैम्फर वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सिंपल।
ठीक है, ये बच्चे के ऊपर भी ऐसी चीज़ें उतारी जा सकती हैं, कई बार बच्चे को भी नज़र लग जाती है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाला ऊपर से हेड से लेके टो तक आपका लेके जाएगा वन बार, देन सेकेंड, देन थर्ड, उसके बाद बाहर ले जाके इसको जला देगा। बहुत सिंपल चीज, सिंपल सी टेक्निक है। और जो दूसरा बंदा है वो नहा सकता है, जाके नहा ले, फ्रेश हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं नहाना चाहते हैं इट्स ओके, कैम्फर के साथ भी आपका ये उतर जाएगा। थर्ड मैं बताऊंगी सॉल्ट रेमेडी, ये बहुत से लोग करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये सॉल्ट और बहुत ईजी है। आपको खाने वाला नमक ले लेना है, एक मुट्ठी में लेंगे, आपको राइट हैंड में लेना है, ध्यान रखेंगे आपको राइट हैंड में लेना है इस नमक को, एंड देन वही आपको सेम लेके जाना है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको लेके जाना है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड देन थर्ड, तीन बार लेना है। किसी भी डे आप कर सकते हैं, कोई भी डे आप कर सकते हैं एक्सेप्ट थर्सडे, थर्सडे को छोड़ के आप किसी भी डे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सॉल्ट को आपने जब उतारेंगे तो आप किसी भी रनिंग वाटर में, यानी कि आपके घर के जो रनिंग वाटर है या वॉश बेसिन, टॉयलेट के रनिंग वाटर में चले जाएगा, जो वॉश बेसिन लगा है वहाँ पर पानी का टैप खोलेंगे और उसके बाद अपना हाथ जो है उसके अंदर धो देंगे, तो जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होगा वो जल्दी से जल्दी हट जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक है, 40 डेज तक लगातार ये वाला रेमेडी करिए, पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, सच बता रही हूँ, बिना कुछ कहे आपका ये ब्लैक मैजिक उतर जाएगा। अब चलती हूँ चौथी रेमेडी के ऊपर, जिसे बोलते हैं लाइम थेरेपी। जी हाँ, आपने लेना है नींबू, इजीली घर में सबके मिल जाएगा। उसके बाद नींबू को लेकर आपको जो इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी है, जैसे सपोज़ अगर मैं हूँ, मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है या किसी की नज़र मुझ पर है, तो मैं ऐसे उल्टा अपने घर अपने सर से तीन बार घुमाऊँगी और उसके बाद उसको बीच में काटूँगी, बीच में से एक बार काट के उसको उठा के मैं बाहर सड़क पर ऐसे फेंक देना है। सिंपल, आपको ऐसे उठा कर उसको ऐसे उठा के फेंक देना है। ये भी रेमेडी आपको सैटरडे के दिन करनी है, तीन या चार सैटरडे करेंगे तो जो भी ब्लैक मैजिक होगा वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट आप सैटरडे को करेंगे तो ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा असर कम होगा, सेकंड में थोड़ा और कम होगा और थर्ड फोर्थ में बिल्कुल जाकर ख़त्म हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किसने कितना ज़्यादा उसके ऊपर करा रखा है उस चीज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बताना नहीं चाहते और उसका ब्लैक मैजिक ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वाली जो रेमेडी है, नींबू वाली जो रेमेडी है, लाइम जो है इसका, जो ये वाली रेमेडी है, आप उसकी फ़ोटो या मोबाइल पर देख कर भी आप कर सकते हैं। आप ऐसे रखेंगे, उसके बाद आप विजुलाइज़ करेंगे कि आप सर से घुमा रहे हैं उनके, और उसके बाद उसको बीच में से काटेंगे, उठा के आप बाहर फेंक देंगे। घर से बाहर बहुत दूर आपको फेंक देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक लास्ट रेमेडी के बारे में, जिससे आप अपने घर को नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है और सामने वाले क्या थॉट्स लेकर हमारे घर पर वापस आते हैं या आते हैं हमारे घर में। हम भी कई बार घर में बहुत सारे बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो सिंपल सी एक रेमेडी मैं आपके बाद आपको बताऊंगी। ईविल आई बीज आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो अपने घर के मेन डोर पे आप टांग लीजिए, तो उससे जो भी नेगेटिविटी है, जो है नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो बाहर ही रुक जाएंगी, आपके घर पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये भी, और साथ में इन भी मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, सारी काम करेंगी ही करेंगी, 100% करती हैं, क्योंकि ये आज के टाइम पर सबसे बेस्ट तरीका है ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।